वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड के पार्ट टू में सेकंड हार्ट साउंड के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट वन है उसमें फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में बात कर ली है। सो सेकंड हार्ट साउंड है हमारा, वो है DUB और DUP। ओके, DUBB और DUP। ओके, सो डब डब और डप। ओके, दोनों आप बोल सकते हो। सो सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड। सो हमारे जो सेकंड हार्ट साउंड है वो कब प्रोड्यूस होता है? सो एंड ऑफ प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड। और जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड था वो प्रोड्यूस होता था हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में क्लोजर होता था, सडनेंस सिंक्रोनस तब प्रोड्यूस होता था फर्स्ट हार्ट साउंड लब। लेकिन डब है वो एंड ऑफ प्रोटो डायस्टोलिक पीरियड में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ना हम उसकी कोजिस के बारे में बात करें। सो कोजिस ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, सो कोजिस में क्या आएगा? कोजिस में आएगा सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द सडन एंड सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ सेमी न्यूनर वाल्व। जब हमारा सेमी न्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व है हमारा दो, वो जब क्लोज होगा तब हमें डब आवाज आएगा। और हमारा जो AB वाल्व है वो क्लोज होगा तब हमें लब आवाज आएगा। ओके, सो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, देन हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड हार्ट साउंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? सेकंड हार्ट साउंड इज अ शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड। हमारा जो सेकंड हार्ट साउंड है डब वो शॉर्ट है, शार्प है एंड हाई पिच्ड साउंड है, हाई पिच्ड साउंड है। ओके, लेकिन जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड था वो था हमारा लॉन्ग था, ये हमारा शॉर्ट है, एंड वो सॉफ्ट था, ये हमारा शार्प है, एंड वो लो पिच था, ये हमारा हाई पिच है, दोनों कॉन्ट्रास्ट में। ओके, सो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड था वो लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच था, एंड हमारा सेकंड हार्ट साउंड है वो शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच साउंड है। ओके, फिर हम उसकी बात करें, सो इट रिजेंबल द स्पोकन वर्ड डब। ओके, और उसके ड्यूरेशन की बात करें तो उसका ड्यूरेशन है 0.10 to 0.14 सेकंड। ओके, सो 0.10 to 0.14 सेकंड है उसकी ड्यूरेशन। लेकिन जब हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड था उसकी ड्यूरेशन थी 0.10 to 0.17 सेकंड। लेकिन हमारा सेकंड हार्ट साउंड है उसकी डप है, उसकी ड्यूरेशन है 0.10 to 0.14 सेकंड। देन उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, सो हमारी जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी उसकी फ्रीक्वेंसी थी 25 to 45 साइकल्स पर सेकंड। लेकिन हमारी जो सेकंड हार्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 50 साइकल्स पर सेकंड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी हो गई सेकंड हार्ट साउंड की 50 साइकल्स पर सेकंड। फिर हम बात करेंगे थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। ओके, सो सेकंड हार्ट साउंड में हमने क्या देखा? वो डब है, और डब है एंड ऑफ प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड। देन उसकी कोजिस है वो सेमी न्यूनर वाल्व है, वो क्लोज होगा तब उसका आवाज़ आएगा, उसको हम कहते हैं डब और डब। देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड है। और उसकी ड्यूरेशन की बात करें, सो 0.10 to 0.14 सेकंड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकल्स पर सेकंड है। फिर हम थर्ड हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे। सो हमारा जो थर्ड हार्ट साउंड है वो लो पिच्ड साउंड, दैट इज प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग पीरियड। हमारा जब रैपिड फिलिंग पीरियड है तब हमारा जो आवाज़ आएगा उसको हम कहते हैं थर्ड हार्ट साउंड, रैपिड फिलिंग पीरियड। लो पिच्ड साउंड है, लो पिच्ड साउंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर गैलोप और प्रोटो डायस्टोलिक गैलोप। सो थर्ड हार्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको हम? वेंट्रिकुलर गैलोप और आप कह दीजिए प्रोटो डायस्टोलिक गैलोप, प्रोटो डायस्टोलिक गैलोप। ओके,
सो थर्ड आर्ट साउंड रैपिड फिलिंग पीरियड में उस जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं थर्ड आर्ट साउंड, और लो पिच साउंड है, और थर्ड आर्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलप और प्रोटोडायस्टोलिक गैलप. ओके, एज इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्लियर पार्ट ऑफ डायस्टोल, और वो प्रोड्यूस होता है अर्लियर पार्ट ऑफ डायस्टोल में, अर्लियर पार्ट ऑफ डायस्टोल, अर्लियर पार्ट ऑफ डायस्टोल. ओके, यूजुअली द थर्ड हार्ट साउंड इज इनऑडियबल, यानी कि हमें वो सुनाई नहीं देगा. ओके, सो इनऑडियबल है इन नॉर्मल कंडीशन, स्टेथोस्कोप के थ्रू हमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन माइक्रोफोन को हम जब यूज़ करेंगे तब हमें जो थर्ड हार्ट साउंड है वो हमें सुनाई देगा, यानी कि थर्ड हार्ट साउंड को हमें सुनने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करना पड़ेगा. और जब फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, उसको सुनने के लिए हम नॉर्मली स्टेथोस्कोप से ही सुन सकते हैं. ओके, लेकिन स्टेथोस्कोप से हम थर्ड हार्ट साउंड नहीं सुन सकते क्योंकि वो इनऑडियबल है इसलिए. सो थर्ड हार्ट साउंड को हमें सुनने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ करना पड़ेगा. देन उसकी कोजिस के बारे में बात करें हम, सो कोजिस में, थर्ड हार्ट साउंड की कोजिस में हम बात करें, सो थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूसेस बाय रूसिंग ऑफ ब्लड, रूसिंग ऑफ ब्लड. थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूसेस बाय रूसिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स एंड वाइब्रेशन सेटअप इन वेंट्रिकुलर वॉल ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज. इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू वाइब्रेशन सेटअप कोरल टेंडिनी. ओके, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें हम, कैरेक्टरिस्टिक, और एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कोरोडिया टेंडिनी. ओके, ये दोनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कोजिस में. कोजिस में क्या आएगा, थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूसेस बाय रूसिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स एंड वाइब्रेशन सेटअप इन वेंट्रिकुलर वॉल ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज. इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू वाइब्रेशन सेटअप कोरोडिया टेंडिनी. ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, द हार्ट साउंड इज शॉर्ट शॉर्ट एंड लो पिच्ड साउंड. ओके, ड्यूरेशन की बात करें हम, सो ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी, 0.072, 0.10 सेकंड. और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, सो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 1 to 6 साइकल्स पर सेकंड. ओके, सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 to 6 साइकल पर सेकंड. फिर हम बात करेंगे वो है फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में. ओके, सो फोर्थ हार्ट साउंड में क्या आएगा, फोर्थ हार्ट साउंड, नॉर्मली तो फोर्थ हार्ट साउंड इज इनऑडियबल, ये भी हमारे लिए इनऑडियबल है. हमारा जो थर्ड हार्ट साउंड था वो माइक्रोफोन के थ्रू हमें सुनाई देता था, लेकिन ए वाला है हमें माइक्रोफोन से भी नहीं सुनाई देगा क्योंकि नॉर्मल फिजिकल कंडीशन है उसमें नहीं सुनाई देता, वो सम जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें सुनाई देता है हमारा फोर्थ हार्ट साउंड. ओके, सो इनऑडियबल है. इट बिकम्स ऑडियबल ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन. इट इज स्टडीड ओनली बाय ग्राफिकल रिकॉर्डिंग बाय फोनोकार्डियोग्राफी. दिस साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल एंड इज कंसिडर्ड एज द फिजियोग्राफिक आर्टेरियल साउंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टेरियल गैलोप और प्री सिस्टोलिक गैलोप. ओके, सो हमें सुनाई देता है तब आर्टेरियल सिस्टोल में, और इज ऑल्सो नोन एज फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑल्सो नोन एज प्रीसिस्टोलिक गैलोप, प्रीसिस्टोलिक गैलोप और एट्रियल गैलोप. हमारा जो थर्ड हार्ट साउंड था उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप और प्रोटोडायस्टोलिक गैलोप, और हम फोर्थ हार्ट साउंड उसको हम कहते हैं प्रीसिस्टोलिक गैलोप एंड एट्रियल गैलोप. ओके, सो आपको ऐसे कोरिलेट करके ही याद रखनी है, सो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी. ओके, देन हम अब बात करेंगे उसकी कोजिस के बारे में. सो कोजिस के बारे में हम बात करेंगे, सो कोजिस में क्या आएगा, फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूसेस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेक्चर एंड वाइब्रेशन आर सेटअप इन एट्रियल मस्कुलेक्चर. सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेक्चर, एट्रियल मस्क्यूलेचर, तब हमें जो सुनाई देगा उसको हम कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड. और नॉर्मली तो हमारी जो एट्रियल मस्क्यूलेचर कॉन्ट्रैक्ट होगी तब हमें वो जो हार्ट साउंड है वो सुनाई नहीं देगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सुनाई देगी. ओके, देन
देन हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेशन सेटअप इन एट्रिकुलर मायोकार्डियम बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। देन हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, फोर्थ थर्ड साउंड है हमारा वो है, शॉर्ट है, लो पिच्ड साउंड है, ओके, शॉर्ट लो पिच्ड साउंड है। और उसके ड्यूरेशन की बात करें, सो उसकी ड्यूरेशन है वो 0.02 to 0.04 सेकंड है, 4 सेकंड है। और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, सो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 4 साइकिल पर सेकंड है, ओके। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस फर्स्ट साउंड की, सेकंड साउंड की, थर्ड साउंड की एंड फोर्थ साउंड की, ओके। सो उसमें क्या कैसे आपको कोरिलेट करके याद रखनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। सो जो जब हमारा जो फर्स्ट आर्ट साउंड है, फर्स्ट आर्ट साउंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, सो फर्स्ट आर्ट साउंड हमारे LUBB है, ओके, LUBB है, यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, LUBB है। सेकंड है हमारी DUP है, DUBB और आपके लीजिए DUP है। और फर्स्ट हार्ट साउंड है उसका जो साउंड है वो है लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच्ड, लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच्ड है, लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच्ड है। और जो हमारा सेकंड हार्ट साउंड है वो है शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड, शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड है। एंड हमारा जो थर्ड हार्ट साउंड है वो है हमारा थर्ड हार्ट साउंड है वो शॉर्ट लो पिच्ड है, शॉर्ट एंड लो पिच्ड साउंड है। एंड हमारा जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो है शॉर्ट एंड लो पिच्ड, ओके, शॉर्ट एंड लो पिच्ड। फिर हम उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करें, सो हमारा जो फर्स्ट आर्ट साउंड है उसकी ड्यूरेशन है वो है 0.10 to 0.17 सेकंड, ओके। और हमारे सेकंड हार्ट साउंड है उसकी हम बात करें ड्यूरेशन की, तो उसकी ड्यूरेशन है 0.10 to 0.14 सेकंड है। थर्ड हार्ट साउंड की बात करें तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 0.7 to 0.10 सेकंड। एंड हम फोर्थ हार्ट साउंड की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन है वो है 0.02 to 0.04 सेकंड, ओके। और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, सो फर्स्ट हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फर्स्ट हार्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी है 25 to 45 साइकल्स पर सेकंड। सेकंड हार्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 साइकल्स पर सेकंड। एंड हमारी जो थर्ड हार्ट साउंड के बारे में बात करें सो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 1 to 6 साइकल पर सेकंड। एंड हमारी फोर्थ हार्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 1 to 4 साइकिल पर सेकंड, ओके। सो हमारा जो है फर्स्ट आर्ट साउंड है, फर्स्ट आर्ट साउंड के बारे में हम बात करें, सो फर्स्ट आर्ट साउंड का लॉब है उसका लॉन्ग सॉफ्ट एंड लो पिच्ड साउंड है, उसकी ड्यूरेशन 0.10 to 0.17 सेकंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी 25 to 45 साइकल्स पर सेकंड है। सेकंड हार्ट साउंड है उसके बारे में हम बात करें, सो उसका डब है, इस दोनों में स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है, एंड ए वाला हमें स्टेथोस्कोप के नहीं सुनाई देता, माइक्रोफोन से सुनना पड़ता है, इनऑडिएबल है लेकिन माइक्रोस्कोप के सुनाई देता है। और फोर्थ हार्ट साउंड है हमारा वो भी इनऑडिएबल है लेकिन वो हमें नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन माइक्रोफोन से भी नहीं सुनाई देता है, वो हमें पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सुनाई देता है, ओके। और हम बात करें डब और सेकंड हार्ट साउंड है वो शॉर्ट शार्प हाई पिच्ड 0.10 to 0.14 सेकंड का ड्यूरेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 15 साइकल्स पर सेकंड है। थर्ड हार्ट साउंड है वो शॉर्ट लो पिच्ड साउंड है, उसकी ड्यूरेशन है 0.07 to 0.10 सेकंड। देन उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 to 6 साइकल्स पर सेकंड। एंड फोर्थ हार्ट साउंड है वो शॉर्ट लो पिच्ड साउंड है, उसकी ड्यूरेशन है 0.02 to 0.04 सेकंड्स और फ्रीक्वेंसी है उसकी 1 to 4 साइकल्स पर सेकंड, ओके। सो यहाँ पर हमारी हार्ट साउंड की जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट हुई।